मैंने रिट दायर इसलिए की थी कि आपके पास इस जमीन में जिसमें हम खड़े हैं इसका कौन सा खसरा नंबर है और आपकी जमीन कितनी है और इस रेलवे लैंड ट्रैक पे ईस्ट और वेस्ट में आपकी कितनी जमीन है, लेकिन आज तक इन्होंने बता के नहीं दी। आईटीआई से मैंने पूछ लिया, उन्होंने कहा कि तहसील से इनकी पैमाइश कराकर हम आपको अवगत करा देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने अवगत नहीं मुझको कराया है। और ये जो आज ये है कर रहे हैं, जे इन लोगों को थोड़ा इनको नोटिस नहीं दिया, एक को भी जिनको नोटिस दिया है वो कोर्ट पहुँच चुके हैं, लेकिन कोर्ट भी की इन्होंने अवहेलना करी है, संविधान का इन्होंने गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ये संविधान को मान ही नहीं, कानून मान ही नहीं रहे। रेलवे का कहना है कि 150 से ज्यादा मकान स्वामियों को हमने नोटिस दिया था जून में, लेकिन एक महीने का टाइम गुजरने के बाद भी अभी तक कोर्ट का इन्होंने जो दिया था ना, हम उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट चले गए, सिविल में चले गए, सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ इनको लेकर के हमारा मुकदमा एक दायर है, वो चल लिया है। उसमें भी 21 तारीख WS रेलवे वालों को WS पेश करने की तारीख पड़ी हुई है, लेकिन वो WS अभी इन्होंने पेश नहीं कराए, उससे पहले इन्होंने यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? करीबन 200 घर प्रभावित होंगे और पूरा इलाका भयभीत है। आज इस फोर्स को देख के पूरा इलाका भयभीत है, सबके अंदर उन्होंने डर पैदा कर दिया है। कितने समय से आप लोग रह रहे हैं? हमको मेरा जन्म आज मेरी 66 साल की उम्र है, मैं पैदाइश मेरी यहीं की है। बता रहे हैं 150 साल पुरानी रेलवे लाइन है। 1888 में ये रेलवे लाइन डली थी। हमारे पूर्वजों ने अपने खसराओं में से, भिन्न भिन्न खसराओं में से ये इनको ट्रैक डालने के लिए जमीन दी, वो इस शर्त पे दी कि आप जब तक ये तुम्हारे काम आ रही है काम में लेना, ये काम नहीं आती तो हमारी जमीन हमको वापस कर देना। लेकिन जब इनके काम आ रही है तो काम आए, हमको परेशानी नहीं है। इन्होंने पहले हमारे वृंदावन के अंदर ये जयपुर मंदिर था, उसको लाल पत्थर से बना हुआ, उसको बनाने के लिए ट्रैक डाला गया। उस ट्रैक डालने के लिए जयपुर से लाल पत्थर आता था, उस मंदिर का निर्माण हुआ और उसके लिए ये रेलवे लाइन डाली गई, जबकि अंग्रेजों का समय था, उस समय फ्री में जमीन दी इन्होंने। हम ये चाहते हैं, हम ये न्याय चाहते हैं। रेलवे ये बता दे तहसील के रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी जमीन कितनी है, जो जमीन हम देने को तैयार है, हमने कब कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती हो रही है, गुंडई हो रही है, हमको अवैध तरीके से हमको यहाँ से भयभीत करके हटाया जा रहा है। वर्तमान में इनको WS पेश करना है रेलवे को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।